अस्सलामुअलैकुम। मैं तो ये स्टार्ट लेता हूँ, आज इस वीडियो का पूरा स्टार्ट ऐसे लेते हैं और हेलो भी कहता हूँ कि दूसरे जो लोग हैं कि भाई उनको हेलो भी कह दो, ठीक है जी। तो और अस्सलामुअलैकुम ज़ाहिर मुस्लिम कम्युनिटी को हम कहते हैं ज्यादातर, तो ठीक है। आज मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने कहा जी मैं आटा गूंदना भी सिखाऊंगा लाइबा को जी। इन लोगों को अभी आटा गूंदना भी नहीं आता और फिर रोटी पकानी कहाँ गूंदना, पराठा पकाना मशीन के ऊपर गूंदने की बात कर रहा हूँ। कभी मशीन नहीं है, खाद खराब है, मशीन खराब हो गई, कोई तो बंदा आटा गूंद तो लेता है ना, एक तो वो। और उसके बाद जो रोटी पकानी है बेलन के बगैर, बेलन शेलन नहीं लगाना, उसको हाथ से कैसे करना है वो बताऊंगा। अब अच्छा उसके लिए मैं जो पैथेड मेरा देखे, ये इतने सारे पराठे बनाएंगे, नहीं पराठे कोई नहीं, मैं सुबह बना लूंगा, दो तीन दिन बना लू, कुछ नहीं होता आटे। ये मिल्क है एक कप, इसमें मैं जैसे मैं पाकिस्तान में बनाता हूँ इससे जरा सॉफ्ट हो जाता है ना ये, ओके तो जब आप बनाते हो। अच्छा दूसरा इसके अंदर मैंने नमक भी थोड़ा सा आटे में ही डाल देना है, आधा चम्मच करते चलो, अगर ज्यादा नहीं डालना है ना आपने, वरना अगर एक भी हो जाएगा तो कुछ नहीं, थोड़ा इससे भी चले आधे चम्मच है, वो मेरी आदत है कि आधे के बाद थोड़ा सा फिर। अच्छा अब आ गई ऑयल, इसमें अगर आप डाल लो, मैं पाकिस्तान में तो देसी चलो, अब ये भी ठीक है, ये की बात है, ये ऑलिव ऑयल भी बहुत ही अच्छी चीज है, ये दो चम्मच इसके मैं ऐसे डाल दूंगा, थोड़ा इससे सॉफ्ट हो जाता है। तो पराठे और रोटी सेम इंग्रेडिएंट से बनते हैं, आप इससे खाली रोटी बना दो। मम्मा यू पुट ऑयल Roti I don't. Oil? I count calories, so I don't. Huh? Sometimes normal roti mein oil jata hai. Soft rakhne ke liye. Usme bhi better rahe. Paratha banana hai. तो आप इसके इसमें फील नहीं होगा जब आप बनाओगे ना, तो इसमें आपको ये नहीं पता लगना कि मैंने ये डाला, तो आटे की तरह शक्ल में। अब आपने पराठा बनाना है, उसमें आप देसी घी भी लगा लो, ऊपर भी जो मर्जी कुछ लगाओ, ठीक है। अब जाहिर है अब इसमें पानी ग्रेजुअली डालना है, अगर आपने एकदम डाल के इसको ये पतला हो गया फिर मसला बन जाएगा, ठीक है। योगे मसला क्या बनेगा, और आटा डाले फिर डालो। अब मेरा हाथ बहुत ही ऐसा धोया हुआ, मैंने मांझ मांझ के जिसकी हाथ में पहले जब से इतनी देर, आप भी धोए, आपने खा लो, आपने तो देखना है, चलो एक्चुअली यू लेट लाइक अ गून, मैं ये बनाऊंगा अभी, मैं आपने सिर्फ देखना है, रोटी आपकी प्रैक्टिस आपने करनी इसका, देखिए मैं ग्रेजुअली पानी डाल के और ये इस तरह का किया जा रहा है, इसको मिक्स किया जा रहा है, इतना सारा आटो में जो नीचे रह गया ना उसमें फिर पानी डालूंगा। ये तो मेरा बटन थोड़ा सा ना वॉल्यूम थोड़ा मेरा कम करो बेटा, मैं ये इतना पता नहीं ऊंचा बोलता हूँ कि बस चलो मेरी आदत बन गई है, वरना जस्ट नॉर्मल भी बोलो तो वो कैच कर लेगा कैमरा। अच्छा अब बसंती कुछ कैमरा तेरा के जिक्र बंद रह गया ना, तो देख कैमरा चलता देख ला, मामा का पता नहीं होता जान करके ये कैमरा ऑन नहीं करेगी, द लेजीएस्ट कैमरा गाय, देखो वहां जाके कैमरा मैन बैठ गया, कुछ बैठ के फिर फिल्म कर रही है, ओके बोलो, पता नहीं पापा ने बोला था कुछ, अरे पापा का तो है कि कैमरा ऑन रहे बस, पर हम लोग सिक्योरिटी कैमरास लेके इधर लगा देते हैं, पापा के ऊपर लगे रहे 24 घंटे पापा का पर्सनल टीवी शो। अब आप ये देखो मैं कर कह रहा हूँ बस, उसी को जो नीचे खुशका है उसी को इसमें मिक्स किया जा रहा है, आउट ऑफ ब्रेथ मामा कह रही है, जोर लग रहा है इसमें, तुम साइड में क्यों जाते जा रहे हो आज तक, ही इज टायर्ड, तू बोलते हंसना तू खाम खादा बगैर वजह तो आटा तो बहुत बना लिया आटा बेटा, मैं सुबह इसके पराठे, अब ये पापा चार पांच दिन खुद ही बना बना के खाते रहेंगे, भले खुद खाऊं इनको भी, तो इनको भी दे सकता हूँ पराठा अचार के साथ। ये सब बेकार है नहीं किया, इधर से जाके वो पतला हो जाता है, तो जैद को बॉल पसंद नहीं आया, वो इतना ऊंचा है ऊपर से यूं हरा डाला हुआ है, तो आप ये देख लें कि जैद की फ्रस्ट्रेशन लेवल क्यों फ्रस्ट्रेशन का, अब तुम मुझे जबरदस्ती फ्रस्ट्रेटेड कर दो क्यों होगी, मतलब मजा मैं सिखा रहा हूँ, सीख तो नहीं रहा हूँ, मुझे तो नहीं प्रैक्टिस, आप लोगों को चाहिए, मुझे तो ऐसा लग टेंशन देने का, हम तो लग रहा है तुम टेंशन ले रहे हो, क्यों वजह मुझे तो ये बताओ वजह, ये तो नई बात है, मैं तो इतनी फिल्मों में अब काम कर चुका हूँ, 150 वीडियो मेरी लग चुकी है, अब भी आप फिल्में 167-160 वीडियो हो गई मेरी, बड़े फालतू है, तो आप लोग समझते हो कि मैं अभी भी मतलब है कि कैमरे के सामने मैं फेस नहीं करता, कैमरे को नहीं कर सकता, नहीं फ्रस्ट्रेशन तो नहीं, मतलब कुछ और कह रहे हैं, मतलब वही कह रहे हो बेटा, मैं समझ रहा हूँ
मम्मा को खुश हो लेने तो आज इसको ठीक है, हो गया। इतनी देर आटा गूंदने में लगता है नहीं, आटा असल तो आटा ही गूंदना है। मैं कई दफा कई कई दिन रोटी नहीं पकाता हूँ, सिर्फ आटा गूंदने के लिए कि आटा गूंदो। कौन आटा गूंदे? मासी से कहें आटा गूंद। नो मशीन है मासी। भैया पर हाथ वो फिर दर्द करेंगे? कोई बात नहीं, ये राइट आना ना, अभी तो राइट बंद होगा ये, फिर देखेंगे। अभी शुक्र अल्लाह का भी काम कर रहा है। पापा फिर आस्ते आस्ते कोने पे पहुंचेंगे। ओ पापा कैसे? पता नहीं यार, तू मेरे कोने से पीछे पै जा बस। कहते आटा अब बन गया। इधर क्लोज अप दिखाओ आटे का। ये देखो अब ये अब कोई खुश नीचे कुछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। अब आपने हल्का सा हाथ इसको ये करना, नीचे साइडों पे साफ करो। ये जो सीखने वाली चीज है बस वो ये, कि बड़ी बूढ़िया अगर हो वो देख के सम, जो मेरे बूढ़िया मेरे फॉलोअर जो है ना एज एल्डरली जो अम्माए खालना मासिया जो भी, उनको पता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ये पानी जो जो नीचे आटा लगा हुआ ना उसको आपने इनके साथ चिपकने नहीं देना, अलग करो उसको, ठीक है। फिर आपको आटा सही गूंदेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अब देख ले नीचे कुछ भी नहीं है, नहीं। देखो जी थले, ठीक है। अब बस आप इसको मुक्की मारते जाओ, इसको मुक्की कहते हैं, इसको कहते हैं मुक्की, कहते हैं सांस बोलना। ये मेहनत का काम है, कोई आसान काम नहीं है। मुसलसल जब से मेरा हाथ चला okay, so just leave it now 5 minutes. नहीं ठहरे, हाँ ये आप लाइबा को करने में, ठीक है। अब आपने थोड़ी देर के बाद अरे ऐसे पड़ा, थोड़ी देर के बाद आपने फिर हल्का हाथ गीला करना। अब इससे ज्यादा नरम नहीं हो मेरे से, फिर रोटी नहीं बनेगी, ठीक है। हर बंदे का अपना एक तरीका होता है कि कितना उसने हार्ड रखना है। सिर्फ आप हाथ गीला करो और नीचे यूं यूं करना, नीचे ना चिपके, और ये आपने लगानी है। अभी करो? भले अभी कर लो, बस मैं जब तक अपना हाथ धो लूं आप क्या करो। अगर तुमने पापा का आटा खराब किया ना, मेरा हाथ थक गया कैमरा पकड़े पकड़े। जैसे ड्राई वाले फिनिश होती है, जैसे ये सीमेंट इसकी ऊपर से स्किन ऐसी नजर आए। जब आटा को आगे फिनिश, ठीक है ना। इजी बेटा ये है, ऐसे उल्टा वो भी लगा लो। इजी टिप मैं बताती हूँ आप लोगों को। नहीं नहीं टिप छोड़ दो, मेरा मेरा चैनल है, मैं सिखा रहा हूँ, अब तुम अपनी अलग ही सिखाओ। क्या मुझे मेरी भी सुनो, मैं आपको कान बंद कर दूँ, टिप दे दो मेरी सुनो। आप पानी जब लगाओ कर लो, मेरी बात सुनो। जब पापा ने आटा वाटा गोदूमर को बनाया था ना पहले वाला, उस वक्त छोड़ दो 10 मिनट आटा, उसके बाद मुक्की लगाओ, ये ऐसा हो जाता है। वो छोड़ने का टाइम ही अभी, मैं इसे लाइव कर, अब इसको मैंने छुड़वाना है उसको। वो मैं तो सारी मेहनत होगी, फिर अब क्या छुड़वाने की जरूरत। वो सो रहा है उधर बैठा बैठा। अब आप थोड़ी देर छोड़ दो, अब आप देखना कितने इजीली इसने। मैं हमेशा 5-10 मिनट अपनी वीडियो मेरी पुरानी निकाल के देखो कि पेड़े से पहले, अभी तो मैंने बेटा फाइनल मुक्की लगानी है। पर मैं आप भी हंसना नहीं, मैं मम्मा को पहले बता चुका हूँ, ये आटा हो सकता है कि ये जैसे मैदा टाइप का, मैदा कहते हैं पंजाब उर्दू में, जो छना हुआ था, बुरा नहीं होता, होल नहीं होता, होल भी उसकी रोटी। फिर ना आप बाकी कुछ नहीं मसला नहीं, लेकिन स्ट्रेच नहीं होती, तो फिर आपको बेलन चाहिए होता। अभी अगर ऐसा हुआ फिर मेरा तुमने हंसना नहीं आपने। अब मैं इसको घी किसके लिए है? ये घी इसको पराठा बनाएंगे अभी, क्योंकि हमने तो पराठा दिखाना है ना, एक सूखा भी बना लेंगे क्या। अब देखो अब नीचे इसको थोड़ा सा ये हल्का, बहुत ज्यादा नहीं, वरना ये नरम हो जाएगा फिर वो, ठीक है जी। मस्त जब मेरे कोई शगर स्टूडेंट हाथ लगा, टेक्नोलॉजी सारी मैं ट्रांसफर करनी है बेटा। मैं कभी बनाती नहीं हूँ रोटी, और अब बनाऊंगी भी नहीं। चलो नहीं, अच्छा अब देखो पापा तुम्हें तो पता हर काम को पापा डबल टाइम बता रहे हैं। मैं भी आपको बताऊंगा जो मैं कह रहा था ना कि आटा इस शक्ल में आएगा। अब तो सही लग रहा है यार। देखो साइड से निकाला, इसमें डाला, इसमें ये देखे, इसमें जैसे प्लेडो होता है, जैसे प्लेडो बिल्कुल उस शक्ल में अब बनेगा, ठीक है। अब समझ लेके अब ये आसो दिखाओ अभी, क्या आपको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा इसकी सरफेस में और पहले और इसमें, ठीक है। ये हो गया, अब बर्तन चुकला नहीं, मेरा हाथ लाके पच जाना है, टूट जाना है, नहीं इसमें आटा डालना है, ठीक है। अब हमने अब हमें चाहिए पेड़ा बनाने के लिए कुश्का चाहिए, और वो बर्तन वो चाहिए, इसी के ऊपर बना लेंगे, पता नहीं होता ये जान करके मेरी वीडियो तो खराब करती है बेटा। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगा कि पेड़ा
लाभा एक ही दफा में सीख लेना, एक ही पढ़े आप टीचर हैं तो मैं क्या बोलूँ, मैं आपको सिखाऊं? क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन जो करता है ना, वो सामा होता है ना क्वेश्चन करने के, सामा या वो स्टूडेंट अच्छा होता है जो क्रॉस क्वेश्चन करता है। यू नो व्हाई मैं नहीं पूछी, क्योंकि मैं तो कभी रोटी, ओह माय गॉड इतना बड़ा पड़ा, मेरे तीन रोटियां बनेंगी इसमें। नहीं छोटी रोटी मेरे से नहीं बनती, ये मैं बता दूं। नहीं बड़ा बना, नहीं हमारा तवे का साइज भी देख ले, वो पीछे भले कुछ भी है, मैं मोटी बना दूंगा। आप देखो इसको, इसमें टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें तरीका क्या है, टेक्नोलॉजी जमीन, आप इसको यूं कर दिए, दूसरा आटा, एक सेकंड आप करो लो एक पेड़ा। अच्छा अब आखिर में भी देख लो ये हुआ, अब आपने इसको बॉटम पे करके, अब वो भी शक्ल नीचे वाले भी उस तरह हो गई, हुई दोनों ऑलमोस्ट सेम हो गए, राइट। पहले इसको इसको लगाओ अच्छी तरह खुश कर लो, जितना बड़ा छोटा बनाना, बड़ा बनाना जो आपकी चॉइस। ओके इतना बड़ा, थोड़ा बड़ा बेटा, ये तो क्या थोड़ा चेटर को खिलाना है, रखो इसमें मिक्स करो हाथों को, ऐसे कर लिए फौरन कर लो। ओके छोटा है और थोड़ा और बड़ा करो, इससे रोटी क्या बनेगी इससे। ऐसा रोटा बेटा ये ऐसे ऊपर मारो, उठा के ऊपर थप्पड़ मारो, ना थप्पड़ नहीं देखो यू किया, अब इस पे ले आओ ये किया, देखो यू किया इस पे ले आओ ये किया, सीखा तरीका, उसी पे रखे रखे थप्पड़ नहीं मारनी, अब इस पे लाओ, हाँ अब उस पे मारो, हाँ अब हाथ भी साथ साथ यू करते जाओ, हाँ करते जाओ दो तीन बार, तो और हाथ चिपके नहीं उसके साथ, इसके साथ लगाते हैं खुश का बेटा, अपनी उंगलियों पे जो है नहीं लगे, इधर हाथ तेज कर, ये आटा उतारना होता है सारा उसको लगा लिया। चलो फिर खुश का लगाओ, अभी फिर लगाओ खुश का, ये लगना नहीं चाहिए आपके, बिल्कुल फिंगर साफ होने, देखो मेरा हाथ कैसे साफ है, वो इसीलिए होगा कि ये लगाओगे खुश का साथ। अच्छा ठीक है ओके हो गया। अब आपने देखो इसको इस हाथ में ऐसे रखे, ठीक है ऑलमोस्ट ऐसे करके, अब आपने ये देखो इससे आपने इसको, और ये सपोर्ट रखनी है ताकि इधर को ना भागे, और ये सपोर्ट इधर रखनी है, देख रहे दोनों फिंगरों से सपोर्ट है, और आप घुमाए चले जा रहे हो, घुमाए चले, अनलेस बन गया घुमा के, नहीं पहले घुमा के दिखाओ मुझे, एक तरीका तो सीखो ना पहले, ना ऊपर से ऐसे एक अंगूठा इधर एक उंगली इधर, हाँ ऐसे, मेरे हाथ इतने बड़े नहीं है, घूम रहा है नहीं घूम रहा, चलो ठीक है बस फिलहाल इसको काफी, अब रोटी कैसे बनानी है आप ना, बस और नहीं इसको साइड पे रखो यार, ये मेरा तो वाकई, यो पापा आप क्या देखते हो मेरा दिखे, चलो कोई बात नहीं, मम्मा देख, और मैंने बनाया तो वो बेबी बनेगा। अच्छा अब आप ओके मैं साथ ही, जैसे क्या करना, पहले इसको यूं लंबा कर लो, बड़ा कर लो, ठीक है हो गया, अब आपने इसको ये साइडों पे आटा जरूर लगा होना चाहिए, देखो ऐसे करके घुमाते जाओ, इससे घुमाना है, इससे पकड़ना है आपने, इससे घुमाना है, देख रहे यू मैं पकड़ के यूं लाता हूँ, ऐसे करते जाओ, भले आप जमीन से ऊपर भी कर लो ऐसे, दे मेरी तरफ देखो, यानी इससे यू और इससे आपने होल्ड किया हुआ इस अंगूठे, ओके माय नोज इज इट डी, नो दिस मेरे वर्ड्स, मम्मा के हाथ थक गए, अब देखो आई एम रेडी, ठीक है आई एम रेडी, ओके आई एम गोना टेक ब्रेक, मेरे हाथ थक गया भाई, अच्छा सही से रखा ना, कोई इलीगल थोड़ी है कि आप इसको करो, इसको और थोड़ा सा फिर पतला भी करो, नीचे साइडों से दबाओ और इसको शेप भी सही दे लो, फिर दोबारा हाथों पे ले आना, जरूरी थोड़ी कि आप कहते हैं कि इसको मैं कर ही नहीं सकता, मैं खुद ऐसे कर ले, तो ये देखो बेलन नहीं इस्तेमाल करता, तो ये बहुत सारा वो इट्स नॉट थिक, डजंट मैटर, ये लग रहा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मैं कह रही हूं कि पराठा हमारा थिक नहीं है, नहीं अभी तो ओ ले, ये तो हमने बेटा वो पराठे की शक्ल की थोड़ी बना रहे हैं, वो घी बनाना था, अंदर डालना था, अब भी लगा रहा तुम से गा रही है, पापा को पापा से गा रहे तुम्हें, मैं सोच रही हूं ये पता नहीं, कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं पापा का सूट है, रखो रखो अब कर लेते फिर इसको वो कर लो, और उसके बाद फिर वो कर लेना क्या, अच्छा ठीक है, तो ये डाल के, वो मैं भूल गया असल में, मैं तो खाली रोटी पकाने लगा था, ठीक है अब कैसे रोल करना, बनाओ इसको रोल, कैसे बताओ ना तुम, वो कैसे करे रोल, ऐसे करके रोल करती है, ऐसे ले आओ, जैसे गोल करती है, काली ही नहीं कारपेट नहीं, हम रोल करते हैं, ठीक है लेते हो, ओके अब हो गया, अब इसको इनके किनारों को थोड़ा सा आप बंद कर दो ताकि घी उसमें से ना गिरे, अब हाथ में इसको दोनों हाथों में पकड़ सकती हो आप, थोड़ा सा लंबा करने के लिए इसको इस पे हाथ जोड़ दे, ठीक है
ऐसे करती है, ऐसे एक हाथ ऊपर करें ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे, ठीक है, गिरने दी ऐसे नहीं, गिरी जाए और ले और ले और ले, ताकि इसको जब आप यूं बनाओ तो दो तीन उसके बाद इस पे रखो और रोल करो। हाँ ये भी कर सकती हूँ पापा, मुश्किल तरीके बेटा पापा, अब ये तो स्टिक ही नहीं हो रहा। मैं बताता, आप जोर से उसको यूं करोगे तो स्टिक होगा ना, अब देखो कैसे नहीं स्टिक होगा, ये स्टिक हो गया ना, देखो आसमान हो गया नहीं स्टिक, हो गया। अच्छा अब आपने इसको बनाना रोल, सिनेमन रोल, बस घी नहीं लगता है। आप सिनेमन रोल बनाया, मैं तो बेटा दूसरा रोल बनाता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो मम्मा तो ये रोल बनाती है, वो एक अलग मेथड है, देखो फिर उतार लो, आप इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे करते हैं ना, वो अकल ना मार दो, देखो इसमें ये यू नो व्हाट दिस लुक्स लाइक, एक दूसरे के ऊपर आ गए, आपने तो खोल लो, खुल जाएगा, फूप इमोजी, फूप इमोजी, गंदे ओके तो घी इतना ही सर, बस ये लगाना, अब दोबारा वही जो चीज मैंने समझाई थी ना साइंस जेडी, वो सारी टेक्नोलॉजी दोबारा आप उसमें बनाओ, रोटी बनानी आपने कैसे बनानी है, बात कर रहे हैं हम। एक वजह मैं देखता हूँ कि सेंटर से आपका अभी मोटी क्यों हो जाती है, एक मिनट बेटा, मेरा हाथ इतने कोशिश करके इसको यहाँ से देखे, ये अंगूठे थे, अब इसको भी रखना है आपने, चलो फिर तो आप अपना घी लगा, रोटी तो अच्छी बस खा लेंगे तो ये शुक्र का, जैद इतने बड़े हाथ किसी के थोड़ी होते हैं, जस्ट कॉर्नर करने होते हैं, बेलन होता है उसके लिए, हो गया नहीं बेलने के बगैर, बेल आपका घूम गया समझो, अब आप इसको राउंड शेप विदाउट बेलन, इसको आप शेप देती हो, ठीक है, पर अब मैं कह रही हूँ की ये पराठा हमारा क्रिस्पी कैसे होगा, इट्स लाइक रियली थिक होगा बेटा, उसके बाद जब घी लगाएंगे ऊपर तवे पे डाल के अंदर से स्लो हीट से वो हो जाएगा, चलो पहले वहां तक पहुंचने तो दो ना आप लोग, ठीक है, आप अपना घी लगाएंगे, आई कैन बिलीव यू आर बैड टीचर, ना पूरा लेसन ही भूल गए, ये देखो ठीक है, ये देखो यहाँ से आप साथ साथ यू करते हैं, ये मिलाती जाओ यहाँ से साथ साथ, ठीक है, देखो आपकी रोटी ऑलमोस्ट बन गई कि नहीं बन गई, मुझे ये बताएं कि यहाँ उसकी बेलना उधर पड़ा पेन की और उसकी जरूरत नहीं देखा जाए नीचे, इतनी तो आपने लर्न किया कि नहीं किया, नहीं ये तो यार दैट्स ट्रू, मम्मा के मम्मा क्या पता, बेलन के बगैर इट्स राउंडर, राउंड राउंड, ठीक है, अब देखिए मैं इसको अपनी इसको बनाने लगा, ये आगे पापा आपका इतना बड़ा ये वो बड़ा तो दो आठ डबल था बेटा, ये देखो अब आप जो चाह रही हो ना कौन सा बनाना, देखो आप क्या कह रही हो, आप कह रही हो मैंने वो जो क्या वो सिनेमन रोल नहीं होता, आप यूं बनाना चाह रही हो इसको, मम्मा ये डिफरेंट वे है आसवा, बहुत बहुत ज्यादा वे से बनता है, अब देखो इलीगल, दिस इज इलीगल ना, आप देखो आपको जहां शक हो ना उसको हाथ से थोड़ा सा यूं कर लो और नीचे चिप भी जाएगा अगर आपने आटा नहीं लगाया लाया, नहीं ठीक है चलो, फर्स्ट क्लास आपकी रोटी बेटा तैयार है, आ जाओ चूल्हा लगाओ हमारा, आपने पहले एक हाथ में उठा लिया आपने, अब सीधे हाथ से डालोगे आप लोग, नहीं नहीं बेटा हाँ ठीक है, अब इस हालत में आप इसको जहां आपको दिख रहा थोड़ा टेढ़ी है ना, सिलो सिलो, अब देखो मैं कई मरतबा लोग धोखा खा जाते हैं, मैं अब यहाँ इसको शेप दे देता हूँ कई मरतबा, अच्छा। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई ना, अब जब आप बना के प्लेट में रखोगे ना ऐसा लगेगा कि ये बंदा कितना माहिर है, yeah, it is really round. देखो गोल। अब आप देखें आपने बनाई है, मैं जरा सा यहाँ टच किया, बताओ कैसी गोल रोटी, कल से तुम रोटियां पकाना, नहीं नो रोटियां तो पका सकती हूँ, गूंदना नहीं, गूंदना उसमें आटा है, मैं बेटा मशीन दूंगी, मशीन से गूंदो, हाथ से नहीं करना, आपका तवे को हाथ लगेगा, चिमटा, वी नीड अ चिमटा, क्या कहते हैं ऑयल और बटर, बटर अभी यार नहीं लगाना, पहले आप पलटी दो, वैसे मुझे पलटी करो, ठीक है अब, ठीक है बस, अब इसको ऑयल लगाना शुरू करो, घी किनारे छींटे उठते हैं, हाँ चले ठीक है, इससे सही है, किनारे से पकड़े ऐसा ऐसे ले, मेरी इसको आप कभी यूज नहीं करो, यूं करके यूं मारते हो ना तेल के छींटे दूर तक जाएंगे, आपको इसका कभी यूज ना करो इसके अंदर, ग्रेजुअली आप उठाओ और उसके बाद, अच्छा अब सवाल आपका जो आप कह रही हो ना,
देखो अगर वो क्रंची जिस जो ब्रेकफास्ट हम होटलों पे खाते हैं उस टाइप का, तो आपका घी यहाँ चल रहा हो, घी के अंदर डीप फ्राई होता है वो क्रंची आप सोच रही हो, और डाल तो घी कितना डालना है। नहीं नहीं वैसे भी स्लो हीट पे करते रहो तो हो जाता है क्रंची, मैं बता रहा हूँ ना, घुमाते रहो करते रहो, घी जितना ज्यादा होगा तो ही वो ज्यादा क्रंची बनेगा, अदरवाइज उस हद तक नहीं बनेगा। अब आप ये हो गया ठीक है, तेरे को तो हाथ फड़न वाले भी तेरे को कर चुके थे, कोई नहीं पता नहीं की चीज है तू, अब थोड़ी आप तेज कर लो, यहाँ पकड़ो, यू आर द बॉस, मैं तो अभी अपनी रोटी पकौनी है। ये मेरी वाली आधा इंच थिक है, तो ये आप वाला था अभी तो, तुम अपना बेल लो ना जब तक, मैं कह रही हूँ मुझे पराठे पसंद होते हैं जो तिन होते हैं, तिन एंड क्रिस्पी, नॉट थिक, बहुत पतले जी। तो चलो आप इसको आटा कम कर लेना, तो मैंने आपको कह के ज्यादा करवा दिया ना। या मेथड तो आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? मेथड तो आ गया, गूंदना वो मशीन के अंदर होगा। कौन सी मशीन? वो मशीन के आटा, वो आपकी चॉइस है, मैं थोड़ी मशीन है। मेरा सिनेमन बना लिया, मैं ज्यादा इसको कुछ कर नहीं सकता, असल तो मैंने सारा ये दिखाना था बनाने में, लेकिन अब आप लोगों ने चूंकि यहाँ किया हुआ, आइए देखो ये सिनेमन वाला जो इश्यू जो ऊपर इतना घी पड़ा हुआ था, नहीं तो जरा से छींटे बटे एक दो तो आई है बरा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि बच गया क्या, सड़ गया इसके ऊपर घी पड़ा हुआ, नहीं नहीं सड़ा तो हर क्या, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इसके ऊपर घी पड़ा हुआ, फ्लाई करके जितना आया उसमें ठंडा हो गया। पापा के पराठा बिग, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जो उससे आप यूं करके मारते हो ना, ये इससे आप करोगे तो कम से कम छींटे तो नहीं आएंगे, आपको मैं समझा रहा हूँ, खुद मैंने गलती कर ली, मैं अब लगाता हूँ, ये फूल भी कितना हटा दो गिरा देंगे पापा, चम्मच चम्मच उसके अंदर, मॉम क्या करे उसके लिए फूल आए, ये असल में पराठे भी सुबह के खाने वाले हैं, ये सुबह के टाइम पे ठीक है, सारे फीचर हो गई है। नहीं अपने अब तो मैं तरीके से, वो मेरी भी गलती है उसमें, हालांकि मैं गलती कम ही मानता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ चलो लाइबर के सामने बता दो कि मेरी गलती है, तुम्हारे सामने तो कभी नहीं मान ली, गलती मान ली फिर बेकार होगी जिंदगी, बकाया समझो खत्म, कौन तुम्हारी फिर हर वक्त सुनेगा, देखा वो तो इधर की था, देखा तुमने तो सुनो ये गलती की, तुमने देखा था उस दिन वो की गलती की, हमने मान ली नहीं, मेरी गलती कोई नहीं, ये तो के ने जंप मारिया, के ने जो तो लगी ना करवाया शिवने का, मैं चो निकला बाहर, थक गई मम्मा, बड़ी तू कबाल की था, जरा जी रोटी की दो वीडियो की बना लिया, अच्छा इसके साथ मेरी तो नहीं अब बनानी, बन गई है ना, बन गई, अब तो बन गई, अब देखो अलाइबा आपकी रोटी बल्कि ज्यादा गोल है, इसकी मम्मा ने मुझे वो बनवा ली सिनेमन टाइप का, मैंने कुछ भी नहीं कहा, पापा का बन गया आराम से, और ये टूट रहा है, नहीं वो टूट, आपको सिनेमन रोल करवाया ना, अब इसको ऊपर से आप नहीं वो लगा सकते कि ये इसमें से निकल के निकल के आप वाला सॉलिड है, बिल्कुल चले ठीक है, गुड जॉब मिस्टर, गुड जॉब ड्राइवर, जब आपने कभी कभार खाना होता है तो अब ये घी जो ऊपर लगाओगे ना जी, इसका टेस्ट आपको अच्छा फील होगा, बस और कुछ नहीं, इसके ऊपर और इसके ऊपर भी, वो ठीक है, लुक्स सो गुड, अल्लाह और न मिले, कौन सा रोज खाना है ये, कभी कभार तो इसीलिए तो ये कहते हैं कभी कभार खाने से हो जाएगा, आई डोंट थिंक हमने पराठे कितने, इट्स बीन मंथ्स, जमाना हो गया नहीं है, एटलीस्ट अ ईयर, या दैट वन साउंड्स गुड, देखो और इस अंदर से भी देखो आपको, ये आपको खिलाओ पहले मैं, श्योर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुंह खोलो ना गर्म है भी थोड़ा, सही मानू ये आसपास चेक करो आप भी, तो मैं तेन चेक करो ना लाइबा खराब दी, क्योंकि ये भी तो मम्मा भी आप करा दो मम्मा को सब चेक कराते हैं, चेक कर दे, ये आपके मकसद का ये क्रंची बना है, मम्मा सही कह रही थी लेकिन मैंने सिनेमन वाला फिर बीच में से टूटता है मुझे पता है, अब आप देखो बहुत क्रिस्पी है, इट्स गुड।
लेयर बन, उससे बनाने सिनेमन बनाने थे ना, सिनेमन ये ऐसे लेयर बनती थी। कैसा जबरदस्त लग रहा है आपको खाने में भी, जिधर से भी आओ ये देख, यम गुड। इसकी लेयर जरा थोड़ी मुश्किल बनेगी आपकी, इसकी तो नहीं बनेगी। उसकी वजह भी है कि ये मैंने बनाया ना, ये लेयर बनेगी इनकी क्योंकि वो जुड़ गए ना साथ। लेकिन इंस्टेंट, ओह लाइबा नॉट बैड, नॉट बैड, ये आपका बनाया हुआ देखो, जबरदस्त, गुड जॉब लाइबा, मेरे से अच्छा बनाया आपने। चलो।